अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। और आज बहुत ही टफ टॉपिक था, CS 302 असाइनमेंट नंबर 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घबराना नहीं है, ठीक है। और इसकी डेडलाइन है 24 जनवरी 2023। तो आपने कवर टॉपिक कौन कौन से करने हैं, बुलियन अलजेब्रा, के मैप, क्यून मैकले, ABEL, अप एंड डाउन काउंटर एंड स्टेट असाइनमेंट। क्वेश्चन हमारा ये है कि 4-bit सिक्रोनाइज अप काउंटर स्टेट ट्रांसिशन टेबल उन्होंने हमें दिया है और हमने इसका क्या बनाना है, के मैप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4-bit सिक्रोनाइज क्या चीज़ है। 4-bit सिक्रोनाइज अप काउंटर, जिसमें जे के फ्लिप फ्लॉप होते हैं और एक क्लॉक पल्स लगा होता है, जिसमें वैल्यू 0 और 1 की आती है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं कि इसकी अप काउंटर है, सो इसकी डायग्राम कुछ यूँ होगी कि पहले 0 0 0 की बिट चलेगी, फिर 1 2 3 और ये बिट ऐसे चलेगी, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये ऐसे काउंट करेगी, ठीक है। अप काउंटर कहते हैं इसी वजह से क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेट को फॉलो करता है, नोट अप बैक स्टेट को। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, ये पर लिखा हुआ है प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब ये देखिए 001 है, 001 ये 0 की वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक गई है, 15 तक, ठीक है, बिट्स। अब ये 00 है, इसकी नेक्स्ट डेट क्या है, 001, ये देखिए नेक्स्ट डेट 0010, नेक्स्ट डेट 0011, नेक्स्ट डेट 110, नेक्स्ट डेट 011, नेक्स्ट डेट, ठीक है। ये नेक्स्ट डेट आपने ऐसे टेबल बनाया, पहले सिंपल बाइनरी बिट्स लिखकर फिर आपने नेक्स्ट जो आ रही है उसको लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, ये है Qn प्लस 1 जे के। अगर 00 होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0x, 01 होगा तो आउटपुट क्या आएगी, 1x, 1 क्रॉस है, मैं एक्स पढ़ रही हूँ, 10 क्या आएगा, क्रॉस एक्स 1, 11 क्या आएगा, क्रॉस एक्स 0। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ से बहुत ही आपने अच्छे से समझना है, ये हमारे पास है डी, ये है बी, ये है सी, यह है सी और यह है ए, ठीक है। अब ये देखिए जो ये बिट है ना, इसको फॉलो कर रही है ये वाली, ये दूसरी सेकंड बिट फॉलो कर रही है सेकंड को, थर्ड बिट थर्ड को और फोर्थ बिट फोर्थ को, ठीक है। अभी देखें हम 0, फर्स्ट में 0 है, फर्स्ट में 0.0, ये यहाँ क्या है, 0.0.0x, ठीक है। तो हमने यहाँ जे डी के डी पे क्या लिख दिया, 0x। नेक्स्ट हमारे पास 0.0, तो ये 0.0 हमारे पास क्या है, 0x, अगेन हमने 0x लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 0.0, फिर 0.0.0x लिख दिया, ऐसे चलते चलते लिखते ना, फिर हमारे आई सॉरी फिर हमारे पास आया है, हमारे पास आई 7 बिट्स, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 01 कितना है, 01x1, तो ये देखें 01x लिख दिया, ठीक है, सॉरी 01। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगेन मैं समझा देती हूँ, हमने जो प्रीवियस है उसकी फर्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट की फर्स्ट वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर, ठीक है। अगर हमने जे डी लेना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, जे सी लेना है, तो हमने क्या करना है, सेकंड बिट और नेक्स्ट की सेकंड बिट, ये देखो 00 क्या आता है, 0.0.0x, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 0x। अब अगर हम देखें, ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हमने 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 1 1 क्या होगा, 1 1 1x, तो यहाँ पे 1x किधर गया, 1 1 1x, ये देखें 1x, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ फिर
थर्ड स्टेट लेनी है, यहाँ से थर्ड स्टेट लेनी है, ज़ीरो ज़ीरो। अच्छा, अगर यहाँ से थर्ड से वन और यहाँ की क्या है ज़ीरो, वन ज़ीरो एक्स वन, तो यहाँ पे एक्स वन किधर है, ये दिखे एक्स वन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ की स्टेट लेते हैं, कोई से भी एक ले लेते हैं, वन ज़ीरो, नहीं ये काफ़ी नीचे हो गया, वन ज़ीरो, ये देखो वन ज़ीरो। तो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो क्या होगा, वन ज़ीरो एक्स वन, फोर्थ स्टेट एक्स वन, ठीक है। ये भी हाफ यहाँ पे मैंने किया है, फुल नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा। आसान बहुत है, बस समझने की थी। ये देखिए ये फुल है ज़ीरो से लेके 15 तक। नेक्स्ट है जो हमारे पास जेडी है ना, ये देखें जेडी, इसमें से वन हमने देखा मिन टर्म्स निकालने हैं, वन हमारे पास सेवन पे है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सेवन, ठीक है। और फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में देखें डोंट केयर जेडी के फर्स्ट रो में यहाँ से एट से लेके 15 तक क्या बन रहा है डोंट केयर, तो हमने ये देखना नेक्स्ट लिखा होगा 8 से 15 तक हमने डोंट केयर लिख दिए। और इस तरह हमने केडी को देखना है, केडी किधर गया। नेक्स्ट केडीएम, केडी 0 से लेके 6-7 तक क्या है डोंट केयर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 से लेके 7 तक केडी। नेक्स्ट हमारे पास जेसी, जेसी में वन कहाँ पे आ रहा है, थ्री पे, और कहाँ पे आ रहा है इलेवन पे, ठीक है, थ्री पे और इलेवन पे, ये देखिए थ्री पे और इलेवन पे। और डोंट केयर जेसी वाली लाइन में किधर आ रहा है, फोर से लेकर सेवन तक, तो ये देखें फोर से लेकर सेवन तक। नेक्स्ट 12, 15, 14 और 13 आ रहा है, ठीक है। अब हमने बनाना है के मैप, जो कि हमने हमसे इक्वेशन मांगी है कि के मैप हम इनका कैसे बनाएंगे। सो के मैप बहुत ही सिंपल है, इजी भी है, यू नाउ ये हमारे पास डोंट केयर सेवन में आई है, तो यू नाउ कि ये क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो उन्होंने हमारे पास क्या है एक्स मिन टर्म की 7 ये कर ली, ठीक है। और डॉट टर्म क्या है 8, 8, 9, 11 और 12, 14, 15, 13 और 10, ये हमारे पास क्या है डोंट केयर। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि हमने क्या किया है। अब डोंट केयर हम, अगर आपने पोज या वो सॉप किए हुए तो डोंट केयर हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारी वन की पेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे जस्ट वन वन है एक ही, तो इसका अगर हम पेयर करें इन दोनों के साथ, इन दोनों में से कौन सी चीज़ सेम है, क्यू बी, ये देखें ये दोनों सेम है, तो हमने इधर लिख दिया क्यू बी, और इधर क्या है क्यू सी क्यू डी, तो ये देखिए क्यू सी क्यू डी हमने लिख दिया। अगर आपको सॉप आता है तो ये आपको इजीली से समझ आएगा, वरना आप सॉप की वीडियो देखें, सॉप मीन्स सम ऑफ प्रोटेक्ट, ठीक है, आता होगा क्योंकि मिड्रम में ये सॉप हुआ है। अब केडी की हमने देखनी है, तो ये 15 है, हमने 1 लिख दिया 15 में, और ये क्या है मीन डोंट केयर, तो हमने ये डोंट केयर लिख दिए। इसमें से ये दोनों जो है ये मिड रे हैं, तो इसमें से हम बनाते हैं क्यू सी क्यू डी, और इन दोनों में से सेम क्या है ये क्यू बी। अब ये देखें ये दोनों सेम वैल्यू आ रही, तो हम जे डी इज इक्वल के डी के भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जे डी का पहले हमने किया, अब जे सी का करते हैं, जे सी का 3, 11, ये 3 है और ये 11। नेक्स्ट है डोंट केयर 4, 5, 6, 7, 12, 13, ये सारे क्या है डोंट टर्म। अब इसमें से हमारी जो बन रही है ये क्वेश्चन, ठीक है, फोर का पेयर,
तो ये जब फोर का पेयर होता है तो ये तो वर्टिकल कट हो जाती है, जो ये है क्यू सी डी आ गया। अगर हम के डी में देखें 715 आ रहा है, तो 715 यहाँ पर है। तो 715 यहाँ पर है, तो ये देखें ये फुल की आ रही है, तो ये क्यू डी ये दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेंथी हो रही है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बस आपको एक बताना था कि सेवन ऐसे सॉल्व होगी। ये देखें ये सबके पेयर हैं, अगर आपने एसेस लेना है तो ले लें, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारा लिंक सेंड कर देती हूँ, उससे देखें। नेक्स्ट फाइनल हमारा आंसर ये है, क्यू डी इज इक्वल जेटी क्यू सी बी क्यू बी। जे सी का हमारे पास है क्यू सी क्यू डी।